6:08 मिनट हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं बद्र विशाल। और यहाँ पर सर्दी इतनी महंगी हो रही है, 19 डिग्री तापमान है। निकालिया में टोपा, अभी जैकेट पहनता हूँ। देखो ये रहा पैदल यात्री मार्ग, चलता हूँ उधर। बस यहाँ पर क्या है, पूरा शहर बसा हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ये लेंगे आज होटल। चश्मा उतार देता हूँ, कहीं गिर जाए रास्ते में। चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर पर, दोनों धाम में पता है, तीनों चीज़ देखेंगे। देखो ये रास्ता है बद्री का। मंदिर जाने का रास्ता टोकन भी लेना पड़ेगा, टोकन मिलेगा। आने वाले कुछ सालों में यहाँ बहुत तगड़ी सुविधा होने वाली है, देख सकते हैं। काम चल रहा है धड़ाधड़ उधर पीछे जी, और ये देखो नजारा, एक नंबर सुविधा है। पता ही नहीं चल रहा पहाड़ों पर आगे, क्योंकि जगह बहुत है, चौड़ी वाली जगह, बहुत चौड़ी जगह। लेकिन पहाड़ खतरनाक है, आप सबसे बड़े पहाड़ यहीं पर है, केदारनाथ में देख रहे। लेकिन सुविधा भी बढ़िया है यहाँ पर, और रोडें भी चौड़ी हो चुकी है। पहले तो सिंगल लेन थी, हवा ठंडी, सर्दी केदारनाथ में नहीं थी, सर्दी केदारनाथ में गर्मी और लग रही थी। ये देखो पैदल जा रहे लोग, लाइन में लगना पड़ेगा। देखते हैं अब कितनी भीड़ है, कितनी देर में दर्शन होंगे। मार्केट देखो गाइस, क्या शानदार सोली सोल ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। कोतवाली श्री बद्रीनाथ हर कोई दर्शन करना। मार्केट देखो गाइस, एक नंबर मार्केट। चल गरम कर यार, बद्रीनाथ की बीच बाइक से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर भीड़ देखो। चलते लगते लाइन में, जय श्री बद्रीनाथ। अलक नंदा ये नारायण शिला, ये बीच वाली यार, दर्शन रोक रखे शायद है ना भैया, दर्शन रोक रखे। ले चलो चलो जल्दी चल, जितनी लेट होंगे उतनी पीछे रह जाएंगे। ये देख कितनी लंबी है, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद तुलसी माला प्रसाद, लेट है पीछे तक, पीछे से आना पड़ेगा भैया। देख ले तेरी व्यवस्था गाइस, गर्म कुंड मेरा तृप्त कुंड है और वो मंदिर है, बाकी उधर चल के दिखाता हूँ। वो लग रहे ना दो, अच्छा वो ये ले चल 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 चल, लेट हो गए अपन सब। देख तो गाइस 6:50 हो चुके हैं और हम लाइन में लग चुके हैं। बीच में से घुस गए मेरी भैया की वजह से, मैया को बीच में से फिर मैं घुस गया। क्या मैया इतनी दूर चलती, दिक्कत हो जाती है। भीड़ पीछे तक है, भीड़ खतरनाक वाली। सोनू उदय और सेठ जी पीछे लग गए, अरे
कोई लाइटें लग रही थी बना रहे हैं। धक्का मत दो, फिर हम धक्का देगा तो सामान नहीं सकेगा। हाँ आराम से चलो, साथ में पूजा करना चाहिए। भाई 7:43 हो चुके और हमारे दर्शन हो चुके, एक नंबर दर्शन हुए, मजे आ गए। और धक्का मुक्ति भी नहीं हुई है ना भैया? नहीं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मैं खड़ी होकर आराम से कर ली, धक्का तो लग रहा था पहले, लेकिन लास्ट में मैं ऐसा रास्ता बना बना के फिर मैंने दर्शन कर लिए। बढ़िया दर्शन हो गया, इस व्यवस्था से ये धक्का मुक्त नहीं है बिल्कुल। पूरी देखो पीछे सर, अंदर से वीडियो बना लेते रिस्क लेकर, लेकिन मैंने बनाया, कोई बात नहीं। वैसे कोई अंदर इतनी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने बनाया। कैसा मंदिर है? लक्ष्मी जी का। चल ये देख लो आप, बाहर से मंदिर, बाहर मेन गेट से आने के बाद एक मंदिर और एक है मेन, वो तो दरवाजा है, और ये अंदर से ऐसा देखो। हाँ कैसे दिखाता हूँ आपको, बद्रीनाथ का दर्शन कर ले, अंदर से बोलो बद्रीनाथ जी देख ले। देखो ये मैं बाहर दरवाजे बाद इस मंदिर में जाना पड़ता है दर्शन के लिए। बुढ़ी बाबा
दर्शन करने के बाद देखो यहाँ से निकाल से, और यहाँ से आप 10 बार जा सकते हो चाहे, यहाँ से बेस्ट दर्शन होते हैं। और मैंने यहाँ पर जाके थोड़ा सा वीडियो बनाया, वो धुंधला आ गया यार, मना कर दी वीडियो बनाने के, तो देख लेना मैं रोक दूंगा वीडियो को जो बदलना है। यहाँ से आप 10 बार जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दर्शन करके आओ। बढ़िया सिस्टम है उधर, भीड़ में अंदर तो कम की इतनी भी नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है अंदर दर्शन करने में, यहाँ से आराम से करो, ऊपर से दिखते हैं बढ़िया। क्या मैं बना के लाऊंगा? नहीं रहने का बहुत है। तो गाइस ये हमसे पहले गए थे और अब कुछ है, ठीक है दर्शन ही नहीं हुए, अब करेंगे दर्शन। सेठ जी का है दो किसी का कुछ है, बीच में से कुछ है, बीच में से कुछ है, हमको तो दर्शन करे आधे घंटे से ऊपर हो गया, हमको भी इतना ही लगा है। गाइस इस साइड ओके मंदिर है, दर्शन करो गाइस मंदिर के पास में, जो मंदिर फालतू भी लगा रखे सामने से दर्शन हो रहे हैं, दर्शन 4 बार दर्शन कर लिया मैं सामने से। गाइस बद्री साल का झूला, मंदिर के जस्ट पास में। 8:30 बज चुके हैं, यहाँ पर फोटो वोटो की चल रही है, हमने उधर वो ब्लॉग बना रहे एक बार, थोड़ा सा बन रहा है वैसे। क्यों बद्री विशाल कैसे दर्शन हुए? एक नंबर मजा आ गया ना, आज तू भी आ जा ब्लॉग में। हेलो गाइस, फाइनली हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए, चारों धाम कर लिए, भगवान आप सबको भी बुलाए और आपको भी बढ़िया बढ़िया दर्शन के, बोलिए बद्री विशाल की जय। जय बद्री विशाल। किसे दे दिया ना सर, देख लो मेरे दर्शन 4 बार और कर लिए, अरे वो सब साथ में नजारा देख लो एक बार, बार सब फोटो खिंचा रहे हैं। बद्री विशाल गाइस करो दर्शन, गाइस मैंने आपकी भी धूप लगा दी, 4 बार दर्शन करके आया, पहली बार है वो मेरे बारे में, 4 बार दर्शन हो गए बद्री विशाल, अच्छे हमें पूरे एक नंबर सिस्टम है गाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई VIP नहीं है, वैसे वैसे देने का काम ही नहीं, गंगोत्री में यमुनोत्री में और बद्री विशाल एक नंबर दर्शन है, कोई पैसे का सिस्टम नहीं, वहाँ पर केदारनाथ में तुम्हारे साथ बहुत वो है तो कुछ कहना चाहता है क्या, क्या कहना चाहते हैं सिस्टम बद्रीनाथ का सिस्टम अच्छा लगा ना, और 3 जगहों का सही है, केदारनाथ में लूट मचा रखी है, बाकी तो भगवान की गलती नहीं है, पंडित की प्रशासन की गलती है, वहाँ के सिस्टम खराब है वहाँ पे। जय श्री बद्रीनाथ बद्री विशाल की जय। मेरा एक बार ऐसे ऐसे वीडियो बना दे, चल वो वीडियो अभी जो आ रहा है ना उसको लाइट मिलने लग रहा है, देखो यहीं से स्टार्ट है पूरा मंदिर और यहीं से लाइट स्टार्ट, लाइट तो नहीं बस डायरेक्ट घुस रहे हैं, लाइन नहीं लग रही, लाइन बस उधर है थोड़ी सी, अभी जो इस टाइम पे आ रहा है ना डायरेक्ट जाओ दर्शन करो, पीछे से नहीं आ रहे तो हम ये छोड़ दो, पीछे से आए थे हम भी यहीं से घुस गए थे वैसे नीचे, वो दिखाता हूँ गर्म कुंड का रास्ता, ये देखो ये पुल है यहाँ से आते इधर साइड में, तो ये देखो अलग नंदा देखो कितनी तेज स्पीड, वो ये कहाँ है गर्म कुंड, नीचे बेटा
जो तो मेरे सामान पकड़े थे तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ये देखो इसकी काम ही देखो गाइस, ये चेक करो कितना गर्म पानी है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म पानी है। देखो देखो धुआं निकल रही है, क्या करना दिखा खिला टॉप से मेरा तरफ। कुंड कौन सा है? ये वाला है। ये किसका है? ये भी है। जेंट्स का है। बहुत गर्म है यार, देखता हूँ कितना गर्म है। और यार ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर ही लगे। और नहीं नहीं भैया बहुत गर्म है, जब नोत्री से भी गर्म है तो बहुत। मेरे आते खासे हैं यार, जगह इतनी ठंड में भी इतना गर्म पानी। खतरनाक गर्म पानी बना रहा। एक बार घुसने के बाद नहीं लगता तेरा, एक बार घुस जाओ। बहुत गर्म है लेकिन चलते हैं। आपको तृप्त कुंड दिखा दिया है मैंने। अब यहाँ पर आए हम अलकनंदा का जल भरने, बोतल में भर के लेकर चलेंगे घर। चलते हैं, बहाव बहुत तेज है, आराम से भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाओ मैया मेरे को दो। नहीं मैं साथ चलूंगी। मैं भर दूंगा मैया, आ रहे हैं तो आप पीछे से वीडियो बना दो मेरा। जय हो अलकनंदा मैया, जय अलकनंदा मैया की। मैया यहाँ से कोई डर नहीं है, आप पकड़ो व्लॉग बनाओ मेरा। गाइस यहाँ से कर दीजिए, ये खड़ा हो गया बढ़िया। हाँ ऐसे भरे जा। और ही तो भरे हो, भरे हो। हाँ ला मैं भरूँ, ला मैं भरूँ, ला मैं भरूँ। सीधी बोतल रख, सीधी, वो खुद ही आ जाएगी उसमें। हाँ बल्ले बल्ले आ गई, आ गई। अरे यार ये अलग नहीं, अरे यहाँ तक, यहाँ तक जो अलग नंदा मैया की जे यहाँ तक बर्फ हो चुका है, बिल्कुल बहुत ठंडा बर्फ की तरह पानी है, ऊपर से पिघल कर आ रहा है। ये देखो आप तो ऐसे रिस्क ना लेगा इस लखनंदा मैया की। चलो मैया, कोई नहीं टिक सकता गाइस इसमें, बहुत ठंडा पानी है यार। बहाव तो बहुत तेज है मैया, गंगा मैया जित रही है। नहीं गंगा मैया में तो चलता ही नहीं है, इससे कम है। हाँ यार ये तो बहुत तेज है, ला जाओ मैया चले फटाफट। गाइस अब है ना रूम देखते कहीं और आराम करते हैं यार, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, एक दवाई और ले लूँगा। तो अब पहले तो दवाई ले लिया, एक बार और ले लूँगा तो ठीक हो जाएगी। चलते हैं कुछ खा भी लेंगे, आज खाना वाना नहीं पड़ा है, कुछ फास्ट फूड खा लेंगे बाहर, पतासे वतासे कुछ भी खा लेंगे। यहाँ पर है क्योंकि मार्केट तगड़ा वाला मार्केट है इधर, सारी सुविधा है, एक नंबर सिस्टम बढ़िया है इधर, और हर सुविधा मिल जाएगी इधर। तो आपको दिखाते हैं पूरा मार्केट, पता ही नहीं चलेगा पहाड़ों के ऊपर आए हैं। ऐसे लग रहा है मतलब ये ज़मीन पर बना हुआ है नीचे, इतनी बढ़िया बढ़िया होटल है, कमरे घर बने हैं, एक नंबर। नारद शिला है, देखो यहाँ से विष्णु जी की जो अंदर जो है ना बद्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी, नारद जी ने यहाँ तपस्या की थी बैठकर। ये देखो ये नारायण से नारद, ये गाइस ये देखो ऐसे बताते हैं, मैंने भी यही सुना है नारद, और मूर्ति भी यही मिली थी फिर उधर पधरा दी है ना। ओके मैया चलो स्थापित कर दिए। ओके सर,
तो गाइस मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, ये देखो अब दर्शन नहीं हो रहे, 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। ये देखो कलर चेंज हो रहा है, आप चेक करो यार, कुछ स्विच ही नहीं कर पाता कभी कभी। क्लियर नहीं आ रहा यार, अब आया ऐसे। ये तो नहीं आपके से रुकी है, खतरनाक है। गाइस मार्केट देखो यहाँ का, शानदार चमक की दुकान है, आप चेक करो पूरा मार्केट। शॉपिंग कर लेते थोड़ी बहुत, साढ़े 9 बज चुके हैं और अभी इधर बैठे दूध पियेंगे केसर वाला, 50 रुपये गिलास है गाइस। और जलेबी लेने गए उधर, दूध जलेबी पी लेते तभी ठीक हो जाते हैं। मैंने बोला नहीं, ज़रा अजीब सा मन हो रहा है उल्टी जैसा, मतलब खांसी वाली। तो गाइस दूध आ चुका है, जलेबी आ चुकी है, कैसा लगा दूध जलेबी? टेस्टी, मज़ा आ गया। एक प्लेट देते मैया और को। तो गाइस पीते, जुकाम निकल जाए। मज़ा आ गया। तो भाई दूध जलेबी खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे करेंगे तो, और पतासी वतासी खाएंगे, पतासी देखी थी मैंने आगे, पता नहीं है या नहीं है। 9:45 हो चुकी है और हमने रूम ले लिया है। देखो गाइस ये है रूम, हम तीन उधर से जाएंगे और बाकी मैया और सेठ जी इधर, और ये गटर बाथरूम है ही। और दिखा देता हूँ रूम अच्छी तरह, देख लो। और इस रूम की खासियत मुझे बताएगा, इधर आ जाओ, वो नजारा देखो जरा क्या है वहाँ पे। वाह, बाढ़ निकलते ही बद्री नारायण के दर्शन हो गए गाइस, किस्मत देखो। 10 बार दर्शन करो, रूम से बाहर निकलते ही ये देखो, बोल बद्र विशाल की जय। तो गाइस अब हम चल रहे हैं साला लगा के, सब बस रूम लिया हमने, हमारी गाड़ी उधर खड़ी और सामान वामान सब उधर रखा हुआ है, बाकी सुबह जल्दी से चलेंगे वहाँ पर, आपको यहाँ का लास्ट विलेज दिखाएंगे, वो तो कल दिखाएंगे, चलो कल की कल सोचते हैं। गाइस ये देखो लकड़ी का सामान, चप्पलें भी लकड़ी की, ये शोले हैं अलग अलग तरह के, यहाँ से ले रहे शॉपिंग कर रहे हैं तेरे, कर लिया अपने आदि तो वगैरह दुग्गो और यूवी और छोटा लव्यांस लग रहा है, और अब ले रहे आईडी के लिए देख रहे हैं हम। ये देखो भाई क्या निकाल रहे हो भैया, मेरे लिए भी देखूंगा मैं इनमें से कुछ। 10:50 हो चुके हैं और शॉपिंग तगड़ी वाली कर ली हमने। ये बैग, इस बैग के अंदर ही मेरी जैकेट है, और मेरी जैकेट है वो देवा उन्होंने ले ली। और गाइस अब नींद आने लग गई मेरे को, चलते अब, कुछ खाए भी नहीं यार अभी, अब तो है भी नहीं, 10:30 बजने वाले, कोई खाने पीने का सामान नहीं है, आगे देख लेते नहीं चल रहे वैसे अब रूम में। हाँ कुछ खा लेते हैं यार आगे चल के, कुछ जहाँ मिले आसपास में वही खा लो, क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है धीरे धीरे, आगे ज़्यादा बंद हो गया मार्केट, और सोन फिर गया इस दुकान में सोन लेने। चलते हैं रूम में कुछ खा लेते हैं, उधर है वैसे खाने का। तो गाइस 11 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं रूम में, और आती दर्शन करो गाइस, बद्र विशाल की जय। गाइस 9 बजे पट बंद हो जाते हैं, 9 बजे तक ही होते हैं दर्शन। सोहन ले रहे हैं शॉल ले रहे हैं, 4-5 शॉल ले रहे हैं, तो जब तक हमने ये सामान लेकर आ गए, वहाँ पर खड़े थोड़ी रहते, सामान लेके आ चुके
और अब यार भूख लग रही, कुछ तो खाएंगे यार। अभी जहाँ पर ये रूम लिए ना इनके, ये नीचे रेस्टोरेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ खा लेंगे। चलते हैं अभी, वो आ जाए सब, फिर खाना खाने चलते हैं। यार मेरी हालत ख़राब हो रही है, सिर में भी दर्द हो रहा है और जुकाम हो रही है। खाना खा के गोली लाऊँगा, बंदूक की नहीं, शरीर के दर्द की दवाई की, एनर्जी की। तो मेरी जैकेट वैकेट, दो जैकेट लाया हूँ और एक स्वेटर से लाया हूँ यार, तो दिखाऊंगा आपको घर पे चल के। अभी नहीं, अभी तो एक बैग है, इस बैग में डाल दिया। और अब इसकी टेंशन है, इतना सामान ले लिया, इसको रखेंगे कहाँ से हमारी गाड़ी में, वैसे जगह नहीं, खुद का सामान रखा हुआ पहले से। करेंगे देखा जुगाड़, नहीं गोदियों में रख के लेकर चलेंगे, बिल्कुल 1% भी जगह नहीं, पीछे तो रख ही नहीं सकते, डिक्की फुल है। और अभी तो और सामान लेंगे, कोई बात नहीं। जय भद्र विशाल की जय। बस खांसी चल रही है, बार बार दर्शन कराने की चक्कर रही गाइस मेरे को, आपको बार बार दिखाता रहूँ मैं आपको, ऐसे लग रहा है। जय भद्र विशाल की जय। हालत हो रही है आपकी गाइस? जुकाम हो रही है, जुकाम भी था, बुखार हो रही है इसकी। गाइस तो शॉपिंग करके आ चुके हैं सोन भैया, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने चले गाइस, खाना खाने हम होटल के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। क्या खाए? पालक पनीर। और अरे नीचे चल के देखते हुए देखते क्या खाएंगे। फिर बाहर निकलते हैं, आपको दर्शन कराने की इच्छा कर रही है मेरी, पता ही नहीं ऐसा क्या हो रहा है। बार बार मेरी इच्छा करती है कि बार बार आपको दर्शन कराते रहो। तो चलो चलते हैं नीचे और देखते क्या खाना है। और मेरे को सर्दी इतनी खतरनाक लग रही है, बुखार हो रहा है गाइस मेरे। खाना खा के फटाफट दवाई लेके रजाई ओढ़ के सोऊंगा मैं, तो हालत ख़राब हो रही, खतरनाक होली। अरे यार क्या करूँ मैं, भगवान बद्री बाबा ठीक कर दो सुबह तक। बिल्कुल अपना खाना आ चुका है, पालक पनीर और तंदूरी रोटी, अब डालते हैं और खाते हैं, भूख लग रही खतरनाक हो रही। खाओ 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 फटाफट डालो, हम एक भी खा लेंगे, एक भी खा लेंगे। हाँ उदय बाबू उसमें भी डाल दे। गाइस 11:47 हो चुकी है और हम आ चुके हैं, खाना वाना खा के पेट फुल हो चुका है, अब दवाई लेके सोऊंगा, अब एडिटिंग नहीं करूँगा, नींद आ रही खतरनाक, तबीयत खराब हो रही है। और वापस दर्शन करूँगा गाइस। जय बद्री विशाल। चलो गाइस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। जय बद्री विशाल।